I've fallen in love with I love. I love. Él bole, wow. हे कर्ण, प्रणाम। आयुष्मान भव। आप मुझे ये आशीर्वाद न दीजिए ब्राह्मण देवता, किंतु आदेश दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मैं दूसरे ब्राह्मणों की भांति तुमसे धन मांगने नहीं आया। इससे क्या होता है? आप यदि कुछ मांगने ही आए हैं तो मैं आपकी मांग अवश्य पूरी करूंगा। कहिए, क्या चाहिए आपको? मुझे तुम्हारा कवच चाहिए, तुम्हारे कुंडल चाहिए। ये दोनों वस्तुएं तो मेरे शरीर का भाग हैं। आप मेरे दूसरे अस्त्र शस्त्र ले लीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो सुना है तुम बड़े दानवीर हो। ये दूसरा प्रणाम किस लिए? पहला प्रणाम ब्राह्मण के लिए था और यह दूसरा प्रणाम इंद्रदेव के लिए है। परंतु आप चिंता न कीजिए, मैं ये जानता हूं कि आप मुझसे मेरा कवच और मेरे कुंडल क्यों मांग रहे हैं। किंतु हे इंद्रदेव, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। आपने मुझसे मांगा ही ऐसे समय है कि मैं आपको ना नहीं कर सकता। यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं ही एक ऐसा मानव हूं जिसके आगे स्वयं देवराज इंद्र हाथ फैला रहे हैं। कर्ण, कदाचित परमपिता ब्रह्मा के लिए तुम जैसा कोई और दानवीर बनाना संभव नहीं। सूर्यदेव ने तुम्हें बता दिया था कि मैं आने वाला हूं। उन्होंने तुम्हें यह भी बताया था कि मैं तुमसे क्या मांगने वाला हूं। फिर भी तुमने इस पल को पीठ न दिखाई। तुमने न केवल इस पल का सामना किया बल्कि उसे पराजित किया। कोई वर मांगो वत्स, जो चीज चाहे मांगो, इंद्र ना नहीं करेगा। हे भगवान, कुछ देने के उपरांत कुछ मांग लेना सभ्यता के विरुद्ध है। यदि कुछ मांग लिया तो फिर मेरे देने का अर्थ निकल जाएगा, उसका यश भंग हो जाएगा। मैं क्षमा चाहता हूं भगवान, किंतु मैं इस समय आपसे कुछ मांगकर दान की मर्यादा को उल्लंघन नहीं कर सकता। परंतु आपको वर्तमान और भविष्य की परिनिंदा से बचाने के लिए अवश्य मैं कुछ मांगूंगा। यदि उचित जानिए तो मुझे शक्ति दीजिए। शक्ति?
तथास्तु। ये लो। किंतु तुम इसका प्रयोग एक बार कर सकते हो, फिर मेरा अस्त्र मेरे पास लौट आएगा। मैं इसका प्रयोग दो बार करना भी नहीं चाहता हूं भगवान, क्योंकि इस संसार में केवल मेरा एक ही शत्रु है, एक ही। जन्म जात कुंडल कवच थे अंगों के अंग, वही काट कर दे दिए अद्भुत दिव्य प्रसंग। सीख हम बीते युगों से नए युग का, करे स्वागत